रीवा के सुहागी पहाड़ में श्री तारा ट्रेवल्स की बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के सुहागी पहाड़ में श्री तारा ट्रेवल्स की बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई। हादसे में आधा दर्जन के करीब यात्री हुए घायल। सभी घायलों का त्योंथर के सिविल अस्पताल में उपचार जारी। थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर से प्रयागराज जा रही उक्त बस सुहागी पहाड़ पर सुबह 7 बजे के करीब हादसे का शिकार हुई है। वहीं सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। ये हादसा किन वजहों से हुआ है इसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। पूरे मामले में सुहागी पुलिस द्वारा आगे की जांच पड़ताल और कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि जिस ट्रक से बस टकराई है वो गिट्टी लोड ओवरलोड बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टायर पंचर होने से ये ट्रक खड़ा था, जिसमें स्पष्ट रूप से ट्रक क्रमांक नजर नहीं आ रहा है, वह सिर्फ UP 70 लिखा हुआ देखा जा सकता है। आखिर कैसे नियमों को ताक पर रखकर ट्रक इत्यादि वाहनों का संचालन हो रहा है, इन वाहनों पर क्या कार्यवाही होगी, बड़ा सवाल है। ये ओवरलोड ट्रक कुछ ही कदमों से बने टोल और RTO विभाग चेक पोस्ट से किस स्थिति में क्रॉस किया, ये भी सवाल बनता है। आखिर पूर्व में हुए हादसे और वर्तमान में हो रहे हादसों से जिम्मेदारों ने कितनी सीख ली, जिम्मेदारों को स्पष्ट करना चाहिए। द खबरदार से आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।